नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल फुल टेक्निकल इंडिया चैनल पे और मैं मनोज पंडित। दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जन संवाद केंद्र के बारे में सारे डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ। मतलब मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र जो यह एक जरिया है जो कंप्लेन करने का, और आप किस तरह से कंप्लेन कर पाएंगे और कितने माध्यम से कर पाएंगे मैं आपको सारी डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे साथ बने रहिए। चलिए दोस्तों जल्दी से कर लीजिए इस वीडियो को लाइक। मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र में आपको कंप्लेन करने के लिए आपको आपके पास तीन माध्यम है और तीन माध्यम से आप कंप्लेन कर सकते हैं। पहला माध्यम है 181 में कॉल करके आप कंप्लेन कर सकते हैं, और दूसरा आप ईमेल के माध्यम से भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। जन संवाद केंद्र का एक मेल है, उस मेल के माध्यम से भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, और तीसरा है वह वेबसाइट के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। दोस्तों सारे डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप बने रहिए हमारे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों हम पहला स्टार्ट करते हैं, 181 कॉल करके आप किस तरह से कंप्लेन कर सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और दो टॉपिक जो बच रहा है मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तो चलिए दोस्तों आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक तो बनता है यार, आपके लिए इतना मेहनत करके हम इस वीडियो को लाते हैं तो आप हमारे लिए एक लाइक नहीं कर सकते हैं। चलिए 181 में कॉल करने के लिए आपको सबसे पहले एक जियो का नंबर होना चाहिए। दोस्तों अगर आप एयरटेल से करते हैं तो आप परेशान हो जाएंगे, एयरटेल नंबर से बहुत कम लगता है। अगर जियो का नंबर है आपके पास तो आप आसानी से 181 पे कॉल लगा सकते हैं और कंप्लेन को दर्ज करवा सकते हैं। अगर आप ज़मीन से रिलेटेड कोई भी रिलेटेड समस्या है तो आप उसमें कंप्लेन कर सकते हैं कि 181 पे आप कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों कंप्लेन करने के बाद दोस्तों आपको पढ़ करके वो सारा डिटेल सुना दिया जाएगा जो आपके द्वारा जो कंप्लेन आपने किए हैं उसी के माध्यम से वह टाइप करता है, वहाँ पर टाइप करके वह कंप्लेन को भेज दिया जाता है जो आपके प्रखंड है उस प्रखंड लेवल पे प्रखंड में ही भेज दिया जाता है, और वहाँ से जो भी समस्या है समस्या का समाधान करके प्रखंड के माध्यम से ही यहाँ से जो उसका रिपोर्ट भेजा जाता है उसे आपको पढ़ करके वहाँ से सुनाया जाता है, कॉल कर दिया जाता है आपके मोबाइल में। दोस्तों अगर आपके मोबाइल में वहाँ से कॉल कर रहा है मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र से आपके मोबाइल में कॉल कर रहा है, वहाँ पे कॉल आपके मोबाइल में नहीं लग पा रहा है या किसी कारण आप घर में नहीं थे कॉल करने के उस वक्त, तो आप क्या उस रिपोर्ट के बारे में क्या आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? हाँ आप प्राप्त कर सकते हैं आसानी से, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप अंत तक देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को अंत तक देखिए तब जाके आपको समझ में आएगा पूरी जानकारी। तो चलिए दोस्तों आपको वेबसाइट के माध्यम से आपको चेक करना पड़ेगा, अगर आपके मोबाइल में कॉल किया कॉल नहीं लगा, और कॉल नहीं लगने के कारण अगर आपका कोई रिपोर्ट वहाँ पे है तो आप किस तरह से चेक कर पाएंगे, कौन से वेबसाइट से चेक करेंगे मैं सारे लास्ट में बताने वाला हूँ। तो आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को देखते रहिए। अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक तो बनता है यार, जल्दी से लाइक ठोक दो हमारे इस वीडियो के लिए। तो 181 में ये वेबसाइट है जन संवाद केंद्र, मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र आप सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद आपका ये वेबसाइट दिखाई देंगे, और वहाँ पे जाने के बाद दोस्तों आप सिटीजन में जो सिटीजन आपको दिखाई दे रहा है सिटीजन लॉगिन, आप वहाँ पे जाइएगा और वहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा। और लॉगिन करने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर डालिए, इसके बाद वहाँ पे सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा, ओटीपी वहाँ पे डालना है, और डालने के बाद ओपन कर देना है उसको, वहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक पेज खुल जाएगा, देखिए आपके सामने खुल गया यहाँ पे, और खुलने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह के दिखाई देंगे आपके सामने, जो कंप्लेन की वो कंप्लेन भी दिखाई जाएगा, जो रिपोर्ट है वो भी रिपोर्ट भी दिखाई जाएंगे यहाँ पे। तो ये आप यहाँ से आसानी से चेक कर पाएंगे अगर वहाँ से कॉल नहीं लगता आपके मोबाइल में। तो ये सारी जानकारी हमने आपको बताएं, अगर आप भी हमारे इस वीडियो को इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वह हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह का वीडियो लाते रहते हैं आपके लिए। तो इतना मेहनत करके लाते हैं वीडियो, आपके साथ हम सारे जानकारी शेयर करते हैं, क्या आप हमारे इस वीडियो को शेयर नहीं कर सकते? जल्दी से जाइए नीचे और शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है वहाँ पे शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपके पास जानकारी शेयर किए हैं तो आप भी इस वीडियो अधिक से अधिक लोगों को यह जानकारी प्राप्त हो सके।